स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे अगर दो ब्लॉक्स हैं, एक का मास कैपिटल एम है और स्मॉल एम है, ये वाला, और ये दोनों ऐसे रखे हुए हैं, इनके बीच में फ्रिक्शन है म्यू वन एम ब्लॉक में और बड़े वाले ब्लॉक में, और ये जो म्यू टू फ्रिक्शन है ये ग्राउंड के साथ और बड़े वाले ब्लॉक के साथ है। अगर आप एक फोर्स अप्लाई यहाँ पे एफ करते हैं बड़े वाले ब्लॉक के ऊपर, तो हमारा यही इसमें आर्टिकल में आज हम स्टडी करेंगे कि व्हाट इज द मैक्सिमम फोर्स रिक्वायर्ड सो दैट टू ब्लॉक्स मूव टुगेदर। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो स्मॉल ब्लॉक है उसकी रिलेटिव मोशन ना हो। तो आइए इसको करते हैं, स्मॉल ब्लॉक के ऊपर हम जो फोर्स ही लग रहे हैं तो उसकी फ्री बॉडी डायग्राम से हम देखेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब है कि जब ये बड़े वाला ब्लॉक इस तरह मूव करेगा तो स्मॉल ब्लॉक की बैकवर्ड मोशन होनी चाहिए। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर बड़े वाला ब्लॉक जो है इस तरह मूव करता, देखिए स्मॉल ब्लॉक है तो इसकी मोशन देखो आपको फील हो रहा है कि बैकवर्ड मूव कर रहा है। तो बैकवर्ड अगर मोशन है इसकी तो फ्रिक्शन फोर्स कहां इसको जो है एक्ट करेगा इस तरफ, दैट इज म्यू वन और आर। आर का मतलब आप समझते हो ना, इसका जो नॉर्मल डायरेक्शन है वो एम जी के बराबर हो जाता है। अब देखिए नॉर्मल डायरेक्शन इसका इधर है तो नेचुरली इसके ऊपर एक स्यूडो फोर्स एक्ट करा। स्यूडो फोर्स जो है वो होगा इसका मास इनटू एक्सेलरेशन। जब ये ब्लॉक जो है स्टेशनरी होगा इसके ऊपर बिकॉज टुगेदर मूव करने की कंडीशन है, तो हम ये लिख देंगे कि जो एम ए फोर्स इसके ऊपर स्यूडो फोर्स एक्ट कर रहा था वो इस फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होना चाहिए। तो ये एम से एम कैंसिल हो गया, तो एक्सेलरेशन जो स्मॉल ब्लॉक आया वही बड़े ब्लॉक का होगा और वही पूरी बॉडी जो है ये जो बनती है पूरी बॉडी उसका होगा, बिकॉज एक्सेलरेशन जो है क्योंकि टुगेदर मूव कर रहे सेम होना चाहिए। अब हम बात करते हैं इस बॉडी को, अगर हम इस सारी बॉडी को एक बॉडी मान लेते हैं, बहुत सिंपल वे है ये सॉल्व करने का, तो इसको आप कह सकते हो कि एम प्लस एम, और नेचुरली फोर्स एफ लग रहा है तो दोनों बॉडी के ऊपर अप्लाई हो रहा है। फ्रिक्शन फोर्स होगा इधर जो ग्राउंड के साथ है वो होगा म्यू टू एन। ये नॉर्मल एक्शन जो है ये बड़ी वाली बॉडी के ऊपर है, मैं आपको बता देता हूं, जैसे ये मास एम है बिगर ब्लॉक, इसके ऊपर नॉर्मल एक्शन है। और एक चीज और आप देखेंगे कि जो स्मॉलर बॉडी के ऊपर रिएक्शन आर था कैपिटल आर, वो इसके ऊपर है लेकिन वो इस डायरेक्शन में होगा दिस वन, और इसका वेट जो है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कैपिटल आर और एम जी है वो एक ही डायरेक्शन में है, तो जो बड़े बॉडी के ऊपर नॉर्मल एक्शन एन है वो अपवर्ड है। तो इट इज वेरी क्लियर कि एन की वैल्यू जो आने वाली है वो क्या आएगी, दोनों का सम होगा एम जी प्लस आर। अब जो नॉर्मल एक्शन आर था स्मॉलर बॉडी के ऊपर उसकी वैल्यू क्या है, स्मॉल एम जी, ये हमारा नॉर्मल एक्शन आ गई जो कि एक्ट कर रही है इस वाले ब्लॉक के ऊपर। अब हम यहां से देखेंगे, यहां देखिए नेट फोर्स क्या होगा, एफ माइनस म्यू टू एन ये हो गया, एंड दिस विल बी इक्वल टू एम प्लस एम इंटू ए, ये एक्सलेशन ये वाला होगा क्योंकि सारे ही ब्लॉक टुगेदर मूव कर रहे हैं दोनों। तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ जो यहां पर आने वाला है उसकी वैल्यू मैं यहां से कैलकुलेट करूंगा नॉर्मल एक्शन इसकी सब्स्टिट्यूट करके, नॉर्मल एक्शन होगा एम जी एम जी एंड दिस इज इक्वल टू एम ए। अब यहां पे देखिए कि नोटेबल है कि यहां पे जो वैल्यू ए की थी वो ये सब्स्टिट्यूट करेंगे म्यू वन जी, बहुत सिंपल है। अब आपने करना यह कि इसके बाद आप इसकी एफ की वैल्यू जो आने वाली है इसको उस तरफ ले जाएंगे, जैसे आप उस तरफ ले गए और आपने इसमें से जी कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में बच गया एम प्लस एम, और साथ में ये तो ऑलरेडी था वहां पे एम प्लस एम और साथ में इसके म्यू वन जी। अब आप क्या करेंगे, एम प्लस एम कॉमन लेंगे, यही मैक्सिमम फोर्स होगा जो बॉडी के ऊपर अप्लाई करेंगे ताकि ये टुगेदर मूव करें। तो कैसे, इसमें अब म्यू वन प्लस म्यू टू और ये कॉमन आ रखा है इसमें एम प्लस एम और एक साथ में जी भी था, तो ये मैक्सिमम फोर्स है जो आप अप्लाई कर सकते हैं बिगर ब्लॉक के ऊपर सो दैट टू ब्लॉक्स मूव टुगेदर। थैंक यू।